हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स मंत्रा बाई नवीन सर के अंदर। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ क्लास 10। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर पेयर्स ऑफ ग्राफिकली। जो लीनियर पेयर हमें दे रखा है इसे क्या करना है, हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है। एंड फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स वेयर, हमें ऐसे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकालने हैं वेयर लाइन्स रिप्रेजेंटिंग बाई देम कट्स वाई एक्सिस। जो लाइन है वो क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है वाई एक्सिस को कट करते हुए, उसके निकालने में कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। इस क्वेश्चन नंबर थर्ड के हमारे पास 2 पार्ट है, दोनों पार्ट्स को डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट करेंगे, जिससे हमारी एक्सरसाइज 4.1 क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी इसी लेक्चर के अंदर। तो क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 2x माइनस 5y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यदि आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पिछले दोनों पार्ट देखें, जिससे आपके लेक्चर अच्छे से समझ में आ सकें। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम इक्वेशन का नाम देते हैं, ये हो जाएगी इक्वेशन फर्स्ट, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड। सबसे पहले क्या करते हैं, लिखेंगे बाई इक्वेशन फर्स्ट 2x, यहाँ से निकालनी है हमें x की वैल्यू, तो माइनस 5y और प्लस 4 दोनों को क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 5y, ये हो जाएगा माइनस 4, हमें x निकालना है तो क्या हो जाएगा 5y माइनस 4 अपॉन 2। जैसे ही हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है उसके बाद हमें बनानी है एक टेबल, जिसमें क्या फाइंड आउट करेंगे, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो बना ली है हमने एक टेबल, ये है x और लिख दिया मैंने y। यहाँ पर हमें y की एक ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिससे हमारे पास क्या आ चुके, एक होल नंबर या इंटीजर वैल्यू आ सके। तो पहले पुट करते हैं हम 0, 5 0 जा 0 माइनस 4 अपॉन 2, क्या हो जाएगा, 0 माइनस 4 हो जाएगा माइनस 4, माइनस 4 अपॉन 2 क्या हो जाएगा माइनस 2। तो हमें कितनी वैल्यू निकालनी है, यहाँ पर 3 वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमने पुट किया 0, आंसर क्या आ गया माइनस 2। सिमिलरली यहाँ पुट क्या करेंगे, आगे की वैल्यू पुट करेंगे, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका क्या बताया था मैंने आपको, यहाँ पर इस 0 को 2 में ऐड कर देना है, तो क्या हो जाएगा 2, तो 5 2 जा 10, 10 माइनस 4 6 एंड 6 अपॉन 2 3। एंड सिमिलरली नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, 4, तो 5 4 जा 20, 20 माइनस 4 16, 16 अपॉन 2 क्या हो जाएगा 8। जैसे हमने टेबल फर्स्ट बना ली है इक्वेशन फर्स्ट से, ऐसे क्या करना है, हमने टेबल सेकंड बनानी है इक्वेशन सेकंड से। तो बनाते हैं, यहाँ लिखेंगे बाई इक्वेशन 2, जैसे इक्वेशन 2 लिखेंगे, इक्वेशन 2 को दोबारा नोट करेंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमें निकालते हैं x की वैल्यू, तो प्लस y क्या हो जाएगा माइनस y और माइनस 8 क्या हो जाएगा प्लस 8, तो 2x इज इक्वल्स टू 8 माइनस y और यहाँ से x क्या आ जाएगा 8 माइनस y अपॉन 2। आप चाहें तो y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं और इजी रहेगा निकालोगे तो, लेकिन मुझे यहाँ पर एक मेथड सिखाना है आपको कि इजी वैल्यू फाइंड आउट कैसे करते हैं जब अपॉन में कुछ हो, इसलिए मैंने क्या निकाला है यहाँ पर, x की वैल्यू फाइंड आउट की है। अब बनाते हैं यहाँ पर हम एक टेबल, x और y, सबसे पहले पुट करेंगे वैल्यू यहाँ पर 0, तो 8 माइनस 0 8 अपॉन 2 4, तो पुट किया मैंने 0, क्या आ चुका है 4। फिर नेक्स्ट वैल्यू क्या पुट करेंगे, जो अपॉन में हो उसको ऐड करके, तो 0 प्लस 2 क्या हो जाएगा 2, तो 8 माइनस 2 क्या हो जाएगा 6, 6 अपॉन 2 क्या हो जाएगा 3। एंड सिमिलरली यहाँ पुट करेंगे 4, क्योंकि 2 प्लस 2 क्या होता है 4, एंड 8 माइनस 4 4, 4 अपॉन 2 2। तो दोनों टेबल आ चुकी है हमारे दोनों इक्वेशन से, अब क्या करना है हमें, इन दोनों इक्वेशन से जो पॉइंट्स आए हैं उसको ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो बनाते हैं ग्राफ, सबसे पहले बनाते हैं हम हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि एक्स एक्सिस, फिर बनाते हैं वाई एक्सिस यानी कि वर्टिकल लाइन। तो ये हो जाएगा हमारा ओरिजिन, हमें क्या चाहिए, कौन सा स्केल लें हम यहाँ पर जिससे हमारा ग्राफ इजीली बन सके। तो पहले देखते हैं एक्स की वैल्यू माइनस 2 3 8 एंड 4 3 2, चाहे तो स्केल हम 1 यूनिट भी ले सकते हैं और चाहे तो 2 यूनिट भी ले सकते हैं। अगर हमारे पास यहाँ पर पॉसिबल हो कि 8 तक आ जाए तो क्या ले लेंगे, 1 यूनिट, नहीं हो तो 2 यूनिट। इस बार हम चेक करते हैं 2 यूनिट से, तो लिखते हैं यहाँ पर स्केल एक्स एक्सिस क्या आ जाएगा 2 यूनिट। एंड सिमिलरली अगर वाई एक्सिस की बात करें तो 0 2 4 0 2 4 सेम ही वैल्यू आई है, तो यहाँ क्या लेते हैं 1 यूनिट से काम बन जाएगा, तो यहाँ लेते हैं 1
यूनिट। अगर हमने यहाँ पर 2 यूनिट लिया है तो यहाँ पर x एक्सिस में डिफरेंस क्या होगा वैल्यूज़ का, 2 होगा। तो लिखते हैं 2, 4, 6, 8, 10 एंड सिमिलरली -2, -4, -6, -8 एंड सो ऑन। एंड x का एंड y का देखें तो क्या आएगा, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सिमिलरली -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। ये हमारा बन चुका है ग्राफ। अब हमें इन दोनों वैल्यूज़ को पुट करना है इसमें। तो पहले लिखते हैं x की वैल्यू -2, 0, तो कहाँ बनेगा, जो वैल्यू होती है 0 के अलावा वहाँ बनता है पॉइंट, ये हो जाएगा -2, 0 एंड सेम 3, 2। तो x की वैल्यू 3 कहाँ आएगी, 2 और 4 के बीच में, y की वैल्यू 2 यहाँ आएगी, तो अप्रॉक्सीमेट जो ग्राफ बनेगा वो यहाँ बनेगा 3, 2 और ये पॉइंट का नाम क्या था, -2, 0 एंड x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 4, तो 8, 4। तो x की वैल्यू 8, y की वैल्यू 4, तो अप्रॉक्सीमेट जो ग्राफ बनेगा वो यहाँ बनेगा 8, 4। अब क्या करेंगे, इन तीनों पॉइंट्स को मिला देंगे जो क्या बनाएगी, एक स्ट्रेट लाइन बनाएगी। तो मिलाते हैं तीनों पॉइंट्स को, ये बन चुकी है हमारी एक स्ट्रेट लाइन। दोनों साइड क्या कर लेंगे, थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे। अब इस क्वेश्चन का नाम क्या था, 2x-5y+4 = 0। यहाँ लिख देते हैं 2x-5y+4 = 0। अब करते हैं सेकेंड टेबल, x की वैल्यू है 4, y की वैल्यू है 0। तो x की वैल्यू 4 ये रही, y की वैल्यू 0 ये रही, 0 के अलावा हमें बनाना है पॉइंट, तो क्या बनेगा यहाँ पर 4, 0। एंड सेकेंड वन, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2। तो x की वैल्यू 3 ये रही, y की वैल्यू 2 ये रही, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर पॉइंट के ऊपर पॉइंट बन जाएगा, और इसका नाम क्या था हमारे पास, 4, 0। थर्ड वन, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 4। तो x की वैल्यू 2 यहाँ है, y की वैल्यू 4 कहाँ है, यहाँ है, तो पॉइंट अप्रॉक्सीमेट कहाँ बनेगा, यहाँ बन जाएगा हमारा पॉइंट, तो क्या था 2, 4। अब क्या करेंगे, इन तीनों पॉइंट्स को यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे जो क्या बनाएगी हमारी एक स्ट्रेट लाइन बनाएगी। थोड़ा क्या करते हैं हम इसको इधर से भी एक्सटेंड कर देते हैं, तो अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस कहाँ चला जाएगा, 8 की ओर चला जाएगा। तो यहाँ कर देते हैं वापस इसको एरो। अब हमें क्या पूछा गया है, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर पेयर्स बाई ग्राफिकली मैथड। तो पहले इनको सॉल्व करते हैं ग्राफिकली मैथड से। तो इसको अगर x एक्सिस की ओर लेके जाएं तो ये पॉइंट क्या आएगा, 3, क्योंकि 2 और 4 के बीच में क्या होता है, 3। और अगर यहाँ देखें तो ये ऑटोमेटिकली कहाँ आ रहा है, 2 पर ही आ रहा है, यानी कि क्या होगा, 2। तो बाई ग्राफ x = 3 and y = 2। अब क्या पूछा गया है, एंड फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स। हमें क्या निकालने हैं, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं किसके, वेयर लाइंस रिप्रेजेंटिंग बाय देम कट्स वाई एक्सिस। और अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पर इस वाई एक्सिस पे जो लाइन क्या कर रही हो, इंटरसेक्ट करती हो, उसके पॉइंट फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ देखते हैं पॉइंट्स ऑन वाई एक्सिस। तो अब हम क्या करते हैं, इनके नाम दे देते हैं, इसका नाम क्या हो जाएगा ए और इसका नाम क्या हो जाएगा बी। तो अगर इनकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेट देखें तो ये आ रहा है 8 पर, तो ये पॉइंट्स की वैल्यू क्या होगी, ए आएगा हमारा 0, 8। और बी की बात करें तो बी अप्रॉक्सीमेट यहाँ पर है, यानी कि 0.5 थोड़ा ऊपर है, तो लगभग आएगा 0.8। तो यहाँ लिखते हैं 0, 0.8। ये क्या हो गए हमारे पॉइंट्स हो गए हैं जो वाई एक्सिस और लाइन की हेल्प से कट कर रहे थे वाई एक्सिस को, ये ए और बी, ये क्या हो जाएंगे हमारे राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा 3x+2y = 12 and 5x-2y = 4। सबसे पहले इनको नेम देते हैं, ये हो जाएगी हमारी क्वेश्चन नंबर 1, ये हो जाएगी हमारी क्वेश्चन नंबर 2। अब सबसे पहले लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट या बाई इक्वेशन फर्स्ट, क्या हो जाएगा 3x+2y = 12। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, तो प्लस 2y क्या हो जाएगा, -2y, तो 12 - 2y, और x क्या आ जाएगा, 12 - 2y / 3। अब बनाते हैं यहाँ पर एक टेबल,
यहाँ लिखेंगे x और y, इसमें हमें क्या करना है, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले निकालते हैं, यहाँ पर y की वैल्यू पुट करते हैं 0, तो जैसे यहाँ होगा 0 तो ये पूरी वैल्यू क्या बन जाएगी 0, 12 माइनस 0 12 अपॉन 3 4, तो यहाँ रखते हैं 0 क्या आ जाएगा 4। अगर हम यहाँ पे वैल्यू रखते हैं अगली वैल्यू 1 2, क्योंकि हमने आपको एक तरीका बता दिया सिंपल सा कि इसमें क्या कर दो 3 को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो 0 प्लस 3 क्या हो जाएगा 3, तो 3 टू जा 6, 12 माइनस 6 6 एंड 6 अपॉन 3 2, एंड सिमिलरली अगली वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर 6, क्योंकि 3 प्लस 3 क्या होता है 6, और 6 टू जा 12, 12 माइनस 12 0, 0 अपॉन 3 भी क्या रहेगा 0। जैसे हमने इक्वेशन फर्स्ट सॉल्व की वैसे करते हैं इक्वेशन 2 को सॉल्व। तो यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, बाय इक्वेशन 2 कैसे करेंगे, वापस रिपीट करेंगे उसको, 5x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4, एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो पहले माइनस 2y को उधर भेजना पड़ेगा, तो 5x क्या आ जाएगा 4 प्लस 2y, तो x क्या आ जाएगा मेरे पास 4 प्लस 2y अपॉन 5। अब क्या करना है मेरे को, यहाँ से एक टेबल बनानी है वापस, यहाँ लिखेंगे x और y, यहाँ x और यहाँ पर y, वापस क्या करना है 0 पुट करनी है y की वैल्यू और चेक करना है कि होल नंबर या इंटीजर आ रहा है या नहीं आ रहा। यहाँ पुट किया 0 तो 2 0 जा 0, 4 प्लस 0 4 अपॉन 5 नहीं आ रही, तो यहाँ पुट करेंगे हम 1, तो 2 1 जा 2, 4 प्लस 2 8, 8 अपॉन 5 भी होल नंबर या इंटीजर नहीं है। यहाँ पुट करेंगे 2 तो 2 2 जा 4, 4 4 8, 8 अपॉन 5 भी पॉसिबल नहीं है। अगर पुट करें 3 तो 3 2 जा क्या आ जाएगा 6, एंड 6 प्लस 4 क्या आ जाएगा 10, एंड 10 अपॉन 5 2, तो यहाँ पर 3 में मेरे पास होल नंबर या इंटीजर आ रहा है, तो 3 2 जा 6, 6 प्लस 4 10, 10 अपॉन 5 2। अब नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, सिंपल तरीका, 3 में क्या कर देंगे 5 को ऐड कर देंगे, तो 3 प्लस 5 क्या आ जाएगा 8, अगर आप पुट करेंगे 8 तो 8 टू जा 16, 16 प्लस 4 20, एंड 20 अपॉन 5 क्या हो जाएगा 4। इतना माइंडली कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, लेकिन आपको एक बता रखा है मैंने, इन सारे केसेस को आपको लिखना भी है कौन सी वैल्यू आपने पुट की और कौन सी आप लेकर आए, तो इससे क्या होगा एग्जामिनर को पता लगेगा कि आपने रियल में कोई वर्क अच्छे से किया है, आपको आता है और मार्क्स भी अच्छे गेन कर पाओगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हम 8 और 5 फिर ऐड करें तो 13 आ जाएगा, तुम्हें पता है ग्राफ बहुत ऊपर चला जाएगा, तो मैंने एक तरीका बताया था कि ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। अगर 3 में 5 सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आएगा, माइनस का 2 आएगा, यहाँ अगर हम रखते हैं माइनस 2 तो 2 2 जा 4, लेकिन माइनस का 4, एंड 4 माइनस 4 0 अपॉन 5 क्या आ जाएगा 0, तो ये वैल्यू भी हम यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इन दोनों टेबल्स को ग्राफ पर प्लॉट करना है, लेकिन उससे पहले हम लिखते हैं इनके स्केल, तो 4 2 0 2 4 0, यानी कि बहुत सिंपल हम स्केल क्या ले सकते हैं, यहाँ पर 1 यूनिट भी ले सकते हैं, ये आ चुका है हमारे पास 1 यूनिट, अगर 1 यूनिट है तो क्या आएगा 1 2 3 4 एंड 5, सिमिलरली माइनस 1 माइनस 2 एंड सो ऑन, जितना हमें चाहिए उतना ही करेंगे। आगे करते हैं वाई का स्केल देखें, तो 0 3 6 3 8 माइनस 2, हम चाहें तो यहाँ भी 1 यूनिट ले सकते हैं, लेकिन हम ज़्यादा ऊपर लेना नहीं चाहते बाई चांस, तो क्या लेते हैं 2 यूनिट भी लेते हैं, तो यहाँ लिखते हैं 2 यूनिट। अगर हमने 2 यूनिट लिया है तो इसका मतलब डिफरेंस क्या रहेगा, 2 2 यूनिट का रहेगा, तो यहाँ आएगा मेरे पास 2 4 6 8 एंड सो ऑन, जितना हम ले जा सकते हैं ऊपर। सिमिलरली यहाँ क्या होगा, -2 -4 -6 एंड -8 एंड सो ऑन, ये आ चुके हैं हमारे पास ग्राफ। इसे क्या कहते हैं एक्स डैश, इसे कहते हैं एक्स, इसे कहते हैं वाई, और इसे कहते हैं वाई डैश, और इसे कहते हैं ओरिजिन। तो पुट करना स्टार्ट करते हैं इनको, 4, 0 तो आपको पता होगा ये यहाँ प्लॉट होगा 4, 0, सेकेंड पॉइंट 2, 3, तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 इन दोनों के मिड में आएगी, तो अप्रोक्सीमेट ये यहाँ आएगा पॉइंट, तो आ जाएगा 2, 3, और इसका नाम था 4, 0। आपको समझ आया होगा कि मैं यहाँ पर सेकेंड पॉइंट भी बाद में लिख रहा हूँ, फर्स्ट टाइम में नहीं लिख रहा हूँ, बाई चांस कट ना करना पड़े जब लाइन ओवरलैप करेगी, इसलिए करता हूँ मैं इसको बाद में लिख रहा हूँ। थर्ड पॉइंट है हमारा x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6, तो x 0 यहीं पर है और y 6 कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो पॉइंट कहाँ बनेगा, यहीं पर
बनेगा जो क्या होगा 0.6। हमें क्या करना है विद द हेल्प ऑफ स्केल इन तीनों पॉइंट्स क्या करना है ज्वाइन करना है। तो मैं इसको कर देता हूँ ज्वाइन, ये आ चुकी है हमारे पास लाइन, इसको भी क्या करते हैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ स्केल। इस इक्वेशन का नाम क्या है 3x + 2y = 12, इसको लिख देते हैं 3x + 2y = 12। एंड सिमिलरली सेकेंड टेबल को भी क्या करते हैं इस ग्राफ पर प्लॉट करते हैं, तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, तो ये भी यही पॉइंट आएगा। तो क्या करते हैं इसको एक और सर्कल 3 डिनोट कर देते हैं। फिर x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 8, तो x की वैल्यू 4 यहाँ है और y की वैल्यू 8 यहाँ है, तो अप्रोक्सीमेट ये जाएगा पॉइंट यहाँ पर, तो यहाँ कर देते हैं 4.8। एंड थर्ड है हमारा x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -8, 0 यहाँ है और थर्ड है हमारा x की वैल्यू 0 y की वैल्यू -2, तो 0 तो यहीं है और -2 कहाँ है यहाँ है, इसको कर देते हैं यहाँ पर 0.-2। अब क्या करना है हमें इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, इसको करते हैं इससे ज्वाइन और इसको करते हैं इससे ज्वाइन, थोड़ा सा क्या कर देते हैं एक्सटेंड कर देते हैं ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो। अब क्या करना है हमें, सबसे पहले दोनों टेबल्स के पॉइंट्स को हमने प्लॉट कर दिया है, पहले निकालते हैं इनका सॉल्यूशन यानी कि सॉल्व करना। तो लिखेंगे बाई ग्राफ, क्या होगा बाई ग्राफ से इसको लेके जाएंगे एक्स की ओर, तो ये आ जाएगा मेरे पास 2, तो एक्स इज इक्वल्स टू 2, इसको लेकर जाएंगे y की ओर, तो ये y आ जाएगा मेरे पास 3। अब हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन में दे रखा था कि जो y एक्सिस से जो दो लाइंस है टच कर रही है इंटरसेक्ट कर रही है उनके पॉइंट्स भी निकालने हैं, तो यहाँ लिखेंगे पॉइंट ऑन y एक्सिस, तो क्या आएंगे एक तो पॉइंट आया ये और एक आया ये, नाम देते हैं इनको ए, इसको नाम दे दिया मैंने बी। इस बार इसकी वैल्यू पहले से लिख रखी है, तो क्या है ए की वैल्यू ए आ जाएगा मेरे पास 0.-2 और बी आ जाएगा, एक्स की वैल्यू तो 0 है यहाँ पर, बी कितना आ गया 6, ये क्या हो जाएंगे हमारे राइट आंसर, ये क्या हो जाएंगे हमारे राइट आंसर। अब क्या करना है हमें इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट करते हैं इसी लेक्चर के अंदर, देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर पेयर्स बाई ग्राफिकली मैथड, यानी कि सेम क्वेश्चन है और आगे साथ में क्या दे दिया एंड फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेज ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाई वाई एक्सिस एंड लीनियर पेयर फॉर्म्ड बाई वाई एक्सिस एंड लाइंस फॉर्म्ड बाई लीनियर पेयर। कहने का मतलब सॉल्व तो करना ही है ग्राफिक के लिए, उसके साथ साथ हमें उस ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड आउट करने हैं जो वाई एक्सिस और लाइन से मिलकर बना हो। सबसे पहले नेम देते हैं इनको इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, यहाँ लिखेंगे बाई इक्वेशन फर्स्ट, इसको रिपीट करेंगे तो 4x - 5y = 20 एंड 4x क्या आ जाएगा 20+5y एंड x क्या आ जाएगा 20+5y/4। अब बनाते हैं यहाँ पर एक टेबल, यह आ जाएगा x और यह आ जाएगा y, यहाँ 3 पॉइंट्स चाहिए तो यहाँ बना लेते हैं 3 कॉलम, स्टार्ट करते हैं वैल्यू पुट करना, यहाँ पुट करेंगे 0 तो क्या आएगा 5 0 0 20+0 20 एंड 20/4 5, तो 0 पुट किया तो क्या आ गया 5। अब अगली वैल्यू क्या पुट करेंगे 4, क्यों, क्योंकि 0+4 क्या होता है 4, तो 5 4 20 एंड 20 20 हो जाएंगे हमारे पास 40 एंड 40/4 क्या आ जाएगा 10। एंड सिमिलरली 0-4 भी पुट कर सकते हैं जैसा कि हमने बताया था, तो यहाँ पुट करेंगे 4 माइनस का, तो 5 4 20 लेकिन माइनस का 20 एंड 20-20 0 0/4 0, ये आ चुके हमारे इस इक्वेशन से पॉइंट्स। सिमिलरली निकालते हैं इस इक्वेशन से पॉइंट्स, यहाँ लिखेंगे बाई इक्वेशन 2, कैसे करेंगे 3x + 5y = 15, यहाँ से निकालते हैं x की वैल्यू, तो प्लस 5y क्या हो जाएगा -5y, तो 15-5y, तो x क्या आ जाएगा 15-5y/3। यहाँ से बनाते हैं वापस टेबल, ये बना लेते हैं हम इसकी टेबल, तो टेबल में क्या करेंगे x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, यहाँ x और यहाँ पर y, तो पुट करते हैं वैल्यू स्टार्ट 0 से,
तो 5 0 0 15 माइनस 0 15 अपॉन 3 इट इज इक्वल टू 5। तो 0 पुट किया तो क्या आ गया 5। नेक्स्ट क्या करेंगे पुट, यहाँ पर 3 पुट करेंगे क्योंकि 0 प्लस 3 क्या होता है 3। तो 5 3 जा 15, 15 माइनस 15 0, 0 अपॉन 3 0, ये क्या आ चुका है हमारे पास 0। अब अगली वाली पुट करते हैं यहाँ पर हम 6, क्योंकि 3 प्लस 3 6। तो 6 5 जा 30, 15 माइनस 30 माइनस 15 अपॉन 3 माइनस 5। तो हमारे पास दोनों इक्वेशन से दो टेबल आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, इसको यहाँ पर प्लॉट करना है यानी कि पुट करना है। तो x की वैल्यू देखें तो 5 10 0 5 0 माइनस 5, तो देखें तो अगर 5 की टेबल ज़्यादा बेस्ट रहेगी यहाँ पर हमारे पास, तो लिखते हैं x एक्सिस क्या आ जाएगा 5 यूनिट। तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का होगा 5, 5 का डिफरेंस होगा। तो लेते हैं हमारे पास 5 10 15 एंड सो ऑन, सिमिलरली माइनस 5 माइनस 10 माइनस 15 एंड सो ऑन। अगर y की देखें तो 0 4 माइनस 4 0 3 6, तो 1 भी ले सकते हैं और 2 भी ले सकते हैं, मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 1। तो 1 से क्या होगा यहाँ पर 1 यूनिट, तो यहाँ क्या लेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। सिमिलरली माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 एंड सो ऑन। अब दोनों टेबल्स को इस ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। तो 5, 0 कहाँ होगा यहाँ पर, तो ये हो गया 5, 0। सेकेंड 10, 4, तो x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 4, ये पॉइंट जाएगा अप्रोक्सीमेट यहाँ पर, तो यह आ जाएगा 10, 4। ये क्या था 5, 0। थर्ड वन है x की वैल्यू 0 y की वैल्यू माइनस 4, तो x की वैल्यू 0 यहाँ पर है और माइनस 4 कहाँ होगा नीचे की ओर होगा, तो ये आ गया यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा 0, -4, यहाँ आ जाएगा हमारा एक पॉइंट। क्या करते हैं तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं, ये आ गया हमारे पास ज्वाइन इसको। अब आगे क्या करना है हमें, थर्ड वन आगे क्या करना है, इन पॉइंट्स को प्लॉट करना है। तो 5, 0, तो ये वापस पॉइंट कहाँ आएगा यहीं पर आएगा, ये बना देते हैं इसके ऊपर एक और सर्कल। सेकंड वन x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3, तो x 0 यहीं पर है और y 3 कहाँ होगा यहाँ पर, तो पॉइंट क्या आ जाएगा 0, 3। एंड x की वैल्यू माइनस 5 और y की वैल्यू 6, तो x की वैल्यू माइनस 5 ये रही और y की वैल्यू 6 ये रही, तो पॉइंट अप्रोक्सीमेट कहाँ आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा, तो क्या था 5, 6। अब क्या करते हैं इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं। तो इसको मैंने ज्वाइन किया इससे और इसको ज्वाइन किया इससे, ये क्या आगे इक्वेशन आ चुकी है। दोनों इक्वेशन के नाम दे देते हैं पहले, तो इस इक्वेशन का नाम क्या था 4x - 5y = 20। तो लिखते हैं यहाँ पर 4x - 5y = 20। एंड सेकेंड वन 3x + 5y = 15, तो इसके नाम देते हैं 3x + 5y = 15। दोनों आ चुके हैं, अब हमें क्या करना है, पहले इसको ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करना था। तो ग्राफ तो बना चुके हैं, सॉल्यूशन क्या होगा लिखेंगे बाई ग्राफ। वैसे हमें पता है जहाँ दोनों पॉइंट्स कट होते हैं हमारा आंसर होता है, या आंसर रिपीट हो जाए या पॉइंट्स रिपीट हो जाए वो भी क्या होता है हमारा आंसर होता है। तो ये क्या हमारा मेन आंसर है। तो क्या होगा x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, इसको x से टच करेंगे तो x पहले से टच है क्योंकि ऑन द लाइन है, तो x क्या आ गया 5। और y की बात करें तो x एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, और किस हिसाब से, ये कह रहा है y एक्सिस जो बना हो। तो ट्राइंगल देखें यहाँ बन रखा है ये ट्राइंगल, और y एक्सिस की हेल्प में, यानी कि ये है y एक्सिस और ये है दोनों लाइन्स का मिड पॉइंट से बना हुआ है, ये है y एक्सिस और दोनों लाइन की हेल्प से बना हुआ है ये वाला ट्राइंगल। एक बार मैं क्या करता हूँ इसको ओवर ड्रॉ कर देता हूँ, ये आ गया है ठीक है। इनको थोड़ा नाम दे देते हैं हम, तो ए बी और सी। तो लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्राइंगल क्या आएंगे, ए क्या आएगा हमारे पास 5, 0, बी क्या आएगा मेरे पास 0, 3 एंड सी क्या आएगा मेरे पास 0, -4। ये आ चुके हैं हमारे पास पॉइंट्स। जैसे अभी यहाँ पर y एक्सिस का पूछा गया है, मे भी आपको x एक्सिस का भी पूछ सकता है, उस समय क्या होगा जो ट्राइंगल बनेगा
यहाँ पर जैसे ये लाइन दे रखी है आपको, ठीक है, थोड़ा सा पॉइंट एक बाई चांस ऊपर हो तो यहाँ से भी क्या बनेगा, ये मान लो एक्सिस यहाँ हो तो यहाँ लगभग ट्राइंगल बनेगा, तो उसके क्या निकालने होंगे आपको, कोऑर्डिनेट्स निकालने होंगे। तो थैंक यू दोस्तों, बताइएगा जरूर कमेंट करके आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, जितना अधिक हो सके दोस्तों के साथ शेयर करें। स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।